Hey guys, welcome to our channel Rabbit Gaming. तो आज हम सीखेंगे कि हम क्राफ्टिंग टेबल कैसे बना सकते हैं. क्राफ्टिंग टेबल के साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो मतलब चार मेन चीज़ जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप अभी माइनक्राफ्ट शुरू किया आपने खेलना, तो चार कौन सी मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी. उसमें से पहले से आपकी स्क्रीन पर आ गया क्राफ्टिंग टेबल. अब मैं धीरे धीरे चीज़ें और आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा. ये चारों जो पर्टिकुलर यूज़ के लिए होते हैं मैं आपको वो बताऊँगा कि इनके पर्टिकुलर यूज़ क्या हैं एंड इन्हें आप कैसे क्राफ्ट कर सकते हो. सबसे बेसिक यही है, और अगर आपको इनको अपग्रेड करना होगा तो वही मैं आपको बता दूंगा कि इन इक्विपमेंट्स को आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो. तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं. तो आ गए हम अपनी गेमिंग स्क्रीन पे. तो सबसे पहले देखो आपको क्या चाहिए. ये जो जैसे आपको पेड़ दिख रहे हैं ना आसपास, ये पेड़ से ही आपकी शुरुआत होगी. आपको सबसे पहले सर्वाइवल के लिए यही चाहिए. और दूर आप देख रहे होगे वो वाइट कलर के पेड़, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि ये मतलब ये ब्राउन कलर का है वो वाइट का है, तो मतलब वाइट से बनेगा नहीं बनेगा. तो आप इस तरह से हाथ से अपना वुड तोड़ सकते हो. ऐसे ही वुड तोड़ के आपको वुड कलेक्ट कर लेनी है. आप जितनी मर्जी उतना कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. लेकिन स्टार्टिंग के लिए जब तक आपके मतलब मेन इक्विपमेंट ना बन जाए तब के लिए आप मेरे ख्याल से 10 वुड्स भी आप कलेक्ट कर लो बहुत है. तो आप वुड्स को उठा के ऐसे क्राफ्टिंग ई बटन दबा के यहाँ पर रख देंगे और प्लैंक्स बना लेंगे. चारों आप रखोगे तो अभी कुछ नहीं बनेगा, आपको जो बनेगा आपका प्लैंक से ही बनेगा, वुड से नहीं बनेगा, ठीक है. तो चारों आप एक कॉर्नर में रखोगे और ये देखो हमारे पास प्लैंक्स आ चुके हैं. अब इन प्लैंक्स से आपको करना ये है कि इनको नीचे रख लेंगे आप. और ये हमने देखो कोई भी मैं वुड उठा के रखूँगा उससे प्लैंक ही बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वुड अलग है तो वो वुड अलग है. मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो लोग अभी अभी नए माइनक्राफ्ट में आए हैं उनके लिए ये पूरा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं. तो इस तरह से आप चार प्लैंक और रख लो और ये आपकी क्राफ्टिंग टेबल तैयार. बहुत ईजी स्टेप था. आपने वुड लिया, उससे प्लैंक बनाए, प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल. अब देखो जो आपका नॉर्मल ई बटन दबाओगे उसमें चार स्लॉट होते हैं आपके कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन जो क्राफ्टिंग टेबल होता है उसमें आपको नाइन स्लॉट्स मिलते हैं. ये देखिए उसमें आपको पूरे 9 स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें आप बना सकते हो, ठीक है. और ये बाकी ये लेफ्ट में आपकी पूरी रेसिपीज आ रही हैं कि आप क्या क्या बना सकते हो. ये अभी मैं ये तो आगे की वीडियोस में कवर करेंगे हम सारी चीज़ें. मैं सबकी आपको रेसिपी बताऊँगा, उनके फ़ायदे बताऊँगा, यूज़ एंड एडवांटेज सब कुछ, डिसएडवांटेज भी अगर होगा तो बता दूँगा. तो सबसे पहले आपको स्टिक्स बनानी है. तो स्टिक्स के लिए दो प्लैंक ऐसे रख लो, एक ऊपर एक नीचे, और इससे आपको चार स्टिक्स मिलेंगी. अगर आप एक सिंगल प्लैंक ऐसे बीच में रखोगे बटन मिलेगा, बट हमें चाहिए नहीं बटन, अभी कोई काम करनी है. तो इस तरह से आपको स्टिक्स बना लेनी है. जैसे मैंने स्टिक्स बना लिया, देखो मैंने 35 स्टिक्स बना लिया. स्टिक्स और प्लैंक से ही आपके जो मेन बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है. अब देखो स्टिक्स को ऐसे रख लो नीचे दो, ठीक है. अब जो काम है आपका मेन है वो प्लैंक्स का. अब देखो प्लैंक्स मैं उठाता हूँ और एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ. देखो अब इसे हो बन गई. अगर आप ऊपर तीन प्लैंक्स और बीच मिडिल में दो ऐसे स्टिक्स रखोगे तो आपकी पिकैक्स बनेगी, ठीक है. पिकैक्स निकाल लिया हमने. तो अब दूसरी चीज़ बना लेते हैं. तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर, दो स्टिक्स नीचे रखो आप और प्लैंक्स उठाओ. आप चाहे तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहे हैं इनसे भी आप रेसिपीज निकाल सकते हो. डायरेक्ट इस पर आप क्लिक करोगे और ये आपको देखो अब आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो अभी सामान है करेंटली उससे आप क्या क्या बना सकते हो. तो इससे और इजी हो जाता है बनाना लोगों के लिए. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मतलब दोनों चीज़ें अच्छी हैं यार, अगर आपको याद है रेसिपी तो बहुत अच्छा. तो हमने ऐसी स्वॉर्ड भी बना ली. अब ऐसी दो ये भी रखेंगे. ये देखो ऊपर ये शॉवल बन गई हमारी. शॉवल डर्ट हटाने के काम आता है. इसको नीचे ये भी निकाल लेते हैं. अभी आगे वीडियो में मैं आपको इसके सारे यूज़ बताऊँगा. तो अब एक्स भी बना लेते हैं. वही लेफ्ट में क्लिक करो, वरना ये दो स्टिक्स बीच में और प्लैंक्स वैसे रख लो और आपकी एक्स भी बन जाती है. तो अब हमने सारी चीज़ें बना लिया, चार मेन चीज़ और एक क्राफ्टिंग टेबल. और ये हो लास्ट की मैं भूल गया था, एक हो भी हमने बना ली. तो देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हो किस काम आता है. जब आप गेम में आओगे आपको फार्मिंग भी करनी पड़ेगी ताकि आपका जो खाने पीने की चीज़ है वो उग पाए, मतलब वीट एंड बाकी सब. तो मैंने सीड कलेक्ट कर ली. अब मैं आपको इसमें सीड लगा के दिखाता हूँ. देखो नॉर्मल जगह पर लगाऊंगा तो नहीं लगेगी, यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो देखो सीड्स लग गई, ऊपर आ गया अ सीडी प्लेस, मतलब आपकी एडवांसमेंट हो चुकी है. तो हमने यहाँ पे सीड लगा दिया. अब इसके आगे आसपास आप पानी वानी रखोगे तो ये उगने लग जाएगा वीट में पूरा. और हो जो है वो आप कई टाइप के बना सकते हो, जैसे आपको लेफ्ट स्क्रीन में दिख रहा होगा गोल्ड, स्टील, डायमंड, नीदराइट, हर तरह की हो आप बना सकते हो. जितनी आप वो बनाओगे वो उतनी स्ट्रांग होगी. अब हम देख लेते हैं कि हम सॉर्ड का क्या यूज़ कर सकते हैं. तो देखो सॉर्ड नॉर्मली आप देखो चिकन को मैंने मारा, तुरंत चिकन मर गया.
अगर आप नॉर्मली हाथ से मारते हो तो आपको 3-4 पंचेज मारने पड़ेंगे कम से कम, तब वो मरेगा। स्वॉर्ड भी आप कई तरह से बना सकते हो। जितनी ज़्यादा आप एडवांस मटेरियल यूज़ करोगे स्वॉर्ड बनाने में, उतना एडवांस हो मतलब उतना पावरफुल वो स्वॉर्ड बनेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि शोवल क्या करता है। तो शोवल देखो, ऊपर की ये जितनी डर्ट्स हैं इनको जल्दी हटाता है। देखो मैं पिकेक से तोड़ता हूँ तो टाइम लगा 0.1 सेकंड का ही सही है, लेकिन वो डिफरेंस आता है। देखो शोवल से तुरंत टूट रहा है। रियल लाइफ में भी शोवल इसी काम आता है कि मतलब गड्ढे मतलब खोदो आप मिट्टी हटाने के, तो काम गेम में भी वही है। तो देखो पिकेक्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पिकेक्स ये इसी काम आता है, जैसे जैसे आप ज़मीन में नीचे जाओगे लेवल्स में नीचे उस वहाँ पे आपको पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पिकेक्स होगा उतनी ज़्यादा आप जल्दी मिट्टी खोद पाओगे। देखो मैंने अभी शोवल से खोदा तो नहीं हो रहा, लेकिन पिकेक्स से वो तुरंत टूट गया। तो ये फ़ायदा है पिकेक्स का। अब मैं आपको अगली चीज़ दिखा देता हूँ एक्स, कि हम एक्स से क्या करते हैं। एक्स से एज यूजुअल सबको पता होगा कि एक्स से मतलब कुल्हाड़ी से आप पेड़ ही तोड़ोगे। तो देखो पेड़ कितनी जल्दी टूटेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अभी सिर्फ वुड के हैं, आप इन्हें वो बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन्हें स्टील का भी बना सकते हो। गोल्ड डायमंड, डायमंड सबसे स्ट्रांग होता है, मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं जब मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। तो आप भी उसका डायमंड का बना सकते हो, बट अभी बिगनर लेवल पे हो तो आप वुड का बनाओ, वुड से ज़्यादा आपको फ़ायदा है अभी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसको एडवांस करना होगा अपने इक्विपमेंट्स को, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो बेसिक अगर बिगिनर लेवल पे हो आप, तो आपको सबसे पहले वुडन से अगर आपको एडवांस करना है तो आपके लिए कोबलस्टोन बेस्ट रहता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कोबलस्टोन से आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको कोबलस्टोन चाहिए होगा। तो हम पिकेक्स को करेंगे सबसे पहले एडवांसमेंट पिकेक्स की। तो इस तरह से आप कोबलस्टोन तोड़ लो, 1-2। पिकेक्स के लिए आपको 3 कोबलस्टोन चाहिए होते हैं मिनिमम। तो हमने 3 कलेक्ट कर लिए। अब देखो यहाँ पे ये रखेंगे तो ये पिकेक्स बन गई, इसका अटैक 3 है। और जो आपकी नॉर्मल होगी, देखो नॉर्मल का अटैक आपका 2 है। तो जैसे जैसे आप मटेरियल अपग्रेड करते रहोगे उसका अटैक बेस चेंज होता रहेगा, वो और ज़्यादा ऊपर जाता रहेगा है ये। तो ये कोबल स्टोन बन गई है। अब ये देखो ये एक्स बन गई जिसका अटैक 9 है, और हमारी नॉर्मल जो एक्स है उसका इससे कम ही होगा, 8 होगा, 8 या 7 जितना भी होगा। तो इस तरह अब देखो आप शॉर्ट भी बना सकते हो। इसका अटैक देखो 5 है शॉर्ट का, और जो वुड की है उसका 4 अटैक है, और ये नीदराइट का 8 अटैक है। नीदराइट सबसे मतलब मुश्किल है मिलना, और सबसे हाईएस्ट लेवल का मान लो है, डायमंड से ऊपर नीदराइट आता है। तो यही था आज की वीडियो में। आज हमने सीखा कि हम क्राफ्टिंग टेबल सॉर्ड वुडन एक्स हो एंड पिकेक्स कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही और शॉर्ट ट्यूटोरियल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब करो। आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी वीडियोज़ आ पाएंगी। थैंक यू। Oh,